नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में, जिसका सबसे ज़्यादा आप सभी का इंतज़ार था वो भर्ती जल्द आपको देखने को मिलेगा। कल आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया था और नीचे एक लाइन लिखी गई थी कि आने वाली भर्ती आपकी जो आरओ है और एआरओ है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, इनके बारे में बोला था कि आप लोग ओटीआर कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें ओटीआर का, क्योंकि आने वाले भर्तियों में आपके लिए वो जरूरी रहेगा। और कैलेंडर में दिखा दिया था कि अगस्त तक तो कैलेंडर में ये वैकेंसी आ रही है, तो अगस्त के बाद जो आपका चांसेस बन रहा है कि सितंबर में, ठीक है, अगस्त लास्ट के बाद सितंबर में आपकी ये भर्ती आ जाएगी, क्योंकि जितना भी इसके अधियाचन थे, खाली पद थे, ये विभाग के द्वारा लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। ठीक है, पद बहुत ही ज्यादा, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी ज्यादा पद है, ये कह सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस आपका कम करूं, तो ये विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर, ठीक है, ये आपके जो आपका विभाग है, सभी विभाग, उन विभागों के द्वारा लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन प्रेषित किया गया है उसी पर यहां पर देखिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देख रहे हो टोटल पद कितने हो गए, 700 पद आपके खाली समीक्षा अधिकारी के हैं। समीक्षा अधिकारी देख रहे हो 2209 और कार्यरत 1465 हैं, और 744 पद जो हैं वो रिक्त हैं। और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे पदोन्नति की बात होती कि हो सकता है प्रमोशन से कुछ भरा जाए, लेकिन यहां पे बोला हर अभ्यर्थियों का अधियाचन प्रेषित है, मतलब लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका हर अभ्यर्थियों का अधियाचन प्रेषित है, ये कौन सा है, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो देखते हैं कितना लोक सेवा आयोग इनमें से पदों को निकालता है। ऑलमोस्ट अगर इतने पद आ गए तो समझ लो इस बार सभी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी तो बनना है, और समीक्षा अधिकारी अपने पूरे, हम बोले, आप रिकॉर्ड तोड़ देगा अगर 744 आ गया तो। ठीक है, तो वह लोक सेवा आयोग पे डिपेंड कर रहा है कि इनमें से कितने पदों पर वो भर्ती को निकालता है। ठीक है, यहां पर विभाग के द्वारा तो भेज दिया गया। ऐसे ही निजी सचिव की बात किया जाए तो 519 471 का अधियाचन प्रेषित है, शेष पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया धीन है। ठीक है, इतने बाकी पदों पर क्या है, आपकी पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे एक कंप्यूटर सहायक आने वाला है, इसमें भी 178 है, 144 का अधियाचन प्रेषित है, मतलब भेजा कितना गया है 144, बाकी आपका प्रमोशन होगा, उसका बताया नहीं कि क्या होगा, इतने पर भेज दिया गया है अधियाचन लोक सेवा आयोग को। ऐसे वाहन एवं मोटरसाइकिल चालक के 13 भर्ती पर रोक है, यहां पर अभी रिक्त है लेकिन इस भर्ती पर रोक लगाया गया है। ठीक है, यहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष में 13 पद खाली हैं, अधियाचन भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अभी चल रही है। विधान भवन सुरक्षा कर्मी में 135 है, नियमावली संशोधन प्रक्रियाधीन है, इसमें कुछ संशोधन होने वाला है तो वो चीजें चल रही है। अब हम यहां पर बात करें जैसे अनुसचिव से विशेष सचिव तक टोटल 10 पद हैं, इसमें पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलित है, तो यहां पर आपका प्रमोशन वाला है तो वो चल रहा है। अनुभाग अधिकारी में 57 पद खाली है, तो ये भी आपके प्रमोशन से होगा तो वो भी चीजें चलेंगी। ठीक है, अब व्यवस्था अधिकारी में 8 पद है, पदोन्नति के लिए आहार नहीं है, तो अभी वो चीज है तो खाली है लेकिन अभी प्रमोशन के लिए आहार नहीं है, इसलिए उसे चालू जो भी है उसका नहीं हो रहा है। मेन आपको यहां पर मैं फोकस करा रहा हूं कि जो भी बच्चे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सपना देखते हो, सचिवालय में पोस्टिंग का सपना देखते हो, अच्छे ग्रेड पे की और गजेटेड ऑफिसर बनने का आपका सपना है, तो समझ लीजिए अगर इतने पद आ गए तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। अब ये आएगा कब, तो ये कैलेंडर से पता चल गया कि सितंबर तक चांस है कि ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है, वो एकदम फ्रेशर हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो परीक्षा प्लस टीम के द्वारा पूरा विधिवत प्री कम्स मेंस,
ठीक है, आपके प्री कम्स मेंस बैच चलाए जा रहे हैं जितने भी आयोग के द्वारा आगामी परीक्षा है। जैसे एपीएस की बात करें तो एपीएस में भी आपका जो सिलेबस है इसमें हम हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं। आपके लेखन जो शैली है, हिंदी का पेपर पूरा लिखित होता है, पत्र लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, ठीक है, सब कुछ आपका यहां पर डे बेसिस पर हम आपके जो लेखन शैली है उसको इंप्रूव कराते हैं, टीचर आपकी कॉपियां चेक करता है, ये सब होता है यहां पर डे टेस्ट होता है, आपकी क्लासेस तो चलती रहती है। आर जो है आपका प्री कम्स मेंस बैच है, ठीक है, ये आपका 1414 विथ जीएसटी है, ये ध्यान रखिएगा जीएसटी के साथ है। इसमें भी आपके जो मेंस का हिंदी का पार्ट है, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, वो भी स्टार्ट है, और जीएस ऑलमोस्ट आपका क्या होता है जो प्री में पूछा जाता है, मेंस में भी वही आता है, तो जीएस तो आपका प्री से ही कवर हो जाएगा। मेंस में जो एक्स्ट्रा चीजें आपको होती हैं वो हम यहां पर बेसिकली आपका लेखन शैली अच्छा होना चाहिए, अगर प्री क्वालिफाई भी कर लेते हो, अगर आपके पास लिखने की शैली अच्छी नहीं है ना तो आप मेंस में अटक जाते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जिनको भी टारगेट बैच जो है, ये हमारा एक ऑलरेडी चल चुका है जो प्री का टारगेट बैच था, ये इसमें आपकी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, तो ये सिर्फ प्री के बेसिस पे था, ये अब इसमें क्लासेस नहीं, रिवीजन चलेगा, लेकिन नया जो हमारा बैच है वो प्री कम्स मेंस है। जिनको भी जुड़ना है आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर सकते हो या live.parikshaplus.org से live.parikshaplus.org में ही है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, live.parikshaplus.org आप ओपन कर लीजिए, आपको कोर्सेज में जाइए, यूपी पीसीएस का कोर्स सेलेक्ट करिए, आपको मिल जाएगा जो भी आपको बैच ज्वाइन करना। अगर आप स्टेनो में अच्छे हो तो आप एपीएस की तैयारी करिए, अपर निजी सचिव ये भी गेजेटेड ऑफिसर है, और आपको अगर स्टेनो नहीं आती है, आप समीक्षा अधिकारी का ख्वाब देख रहे हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है आप बहुत ज्यादा, तो आप इसको आप इनरोल्ड कर सकते हैं, दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं, ठीक है। और जो प्ले स्टोर से आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके भी जुड़ सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लिए 9450006007 और 9129970708 इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी समस्याएं हैं बता सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों को कोई और इन बैच से रिलेटेड क्या है, वैकेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे समस्याओं का समाधान किया जाए। अहर्ता से रिलेटेड आरओ और एआरओ की वीडियो पड़ी हुई है, एआरओ में जो कंप्यूटर आपको चाहिए उससे रिलेटेड समकक्ष क्या होना चाहिए वो भी मैंने डाल रखा है, उसको आप ऑलरेडी जाके परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी तो मैं आपके समक्ष जरूर आऊंगा, तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।